दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। कोरोना महामारी की वजह से भंडारा से दूसरे राज्यों में जाने वाली रातरानी बसों के पहिए भिन्न दिनों रुके हुए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि महाराष्ट्र की धार नगरी भंडारा से मध्य प्रदेश के बालाघाट वारासिवनी जाने वाली बसों का परिचालन अगस्त माह से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक इस बारे में कोई सूचना जारी नहीं की गई कि अगस्त माह से रातरानी बसों का परिचालन शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों की सीमा से लगे जिलों में रातरानी बसों का परिचालन शुरू किया गया था, लेकिन कोरोना काल में अन्य बसों की तरह रातरानी बसों के चक्कों पर भी ब्रेक लगाया गया था। भंडारा के विभागीय परिवहन अधिकारी डॉक्टर चंद्रकांत वड़स्कर ने बताया कि अंतर्राज्यीय बस सेवा शीघ्र ही शुरू होगी। इस बारे में एक यात्री सुरेश सिंह ने बताया कि मेरा संबंध मध्य प्रदेश से है, सब रिश्तेदार वहां रहते हैं। कई बार तो ये स्थिति हो जाती है कि रिश्तेदारों को गांव तक पहुंचने के लिए निजी वाहन करने की जरूरत पड़ती है। आपके अपने चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।